खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल से, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है, केंद्र और संगठन के पास कमजोर बूथ की सूची पहुंच चुकी है और ऐसे में अब बूथ सशक्तिकरण का अभियान शुरू किया जाएगा। ये बड़ा फैसला बैठक में लिया गया है। चुनावों से पहले बूथ पर अब जमकर भीतरघातियों के खिलाफ भी एक्शन यहां पर लिया जाएगा। अगले 5 दिन में बड़ा एक्शन हो सकता है भीतरघातियों पर, जो पार्टी को अंदरूनी नुकसान पहुंचाते हैं उन पर बड़ा एक्शन पार्टी लेगी। इधर मंत्रियों और पदाधिकारियों तक संगठन की कड़ी और पैनी नजर है। विधानसभा में 25 बूथ की जानकारी विधायक देंगे, लोकसभा में 100 बूथों की जानकारी सांसद देंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है, कई विषयों को लेकर मंथन हुआ। 100 बूथों की जानकारी सांसद लोकसभा में देंगे, इधर विधायक विधानसभा में जानकारी देंगे। ये मंत्रियों पदाधिकारियों तक संगठन की कड़ी और पैनी नजर है और ऐसे में कई बड़े विषयों पर मंथन हुआ। विधानसभा में 25 बूथ की जानकारी विधायक देंगे अपने अपने क्षेत्रों की। इसके अलावा लोकसभा में, संसद में 100 बूथों की जानकारी सांसद देंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही इस अहम बैठक के बाद तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता, संगठन के नेता इसमें शामिल हुए। मंत्री पदाधिकारियों तक संगठन की कड़ी नजर है। विधानसभा में 25 बूथों की जानकारी विधायकों को देना होगा। इसके अलावा लोकसभा में, सदन में 100 बूथों की जानकारी सांसदों को देना होगा अपने अपने संसदीय क्षेत्र के। तो ऐसे तमाम विषयों पर मंथन यहां पर किया गया। मध्य प्रदेश बीजेपी की बड़ी और सबसे खास बैठक आज हुई और ऐसा माना जा रहा है कि कई बड़े विषयों पर मंथन इस बैठक में हुआ। इसके अलावा विधानसभा में 25 बूथ की जानकारी विधायक देंगे। आपको बता दें, अब पैनी नजर जो है वो संगठन की है, कार्यकर्ताओं पर, जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भीतरघात यानी अंदरूनी नुकसान जो पार्टी को पहुंचाते हैं, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता, ऐसे विधायकों पर भी पैनी और कड़ी नजर संगठन की है। यानी अब आने वाले दिनों में बहुत जल्द बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। यानी बीजेपी अब कमर कसती हुई नजर आ रही 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और ऐसे में तमाम बड़े विषयों पर मंथन किया गया, जानकारी साझा की गई, समीक्षा की गई। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में हार जीत के परिणाम जो सामने आए थे, जहां नुकसान बीजेपी को हुआ, उन तमाम विषयों पर भी यहां पर समीक्षा की गई। उन रिजल्ट पर समीक्षा बीजेपी ने की है। वीडी शर्मा, इसके अलावा तमाम बीजेपी के नेता इस बैठक में शामिल हुए। मंथन किया गया, उन कमियों को सुधारने पर बातचीत यहां पर की गई। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमृतांशु जोशी से। अमृतांशु, कौन कौन से बड़े विषय जिन पर आज इस बड़ी बैठक में मंथन किया गया? देखिए, बीजेपी की जो ये बड़ी बैठक हुई है, इसमें कई चीजें निकलकर सामने आई है और साफ यहाँ पर केंद्र ने एक लाइन दे दी है कि अब बूथों को मजबूत करना जरूरी है और इसी को लेकर यहाँ पर जो है लगातार जो बीजेपी अब तैयारियां करती हुई नजर आएगी। बूथ सशक्तिकरण अभियान जो है अब बीजेपी चलाने जा रही है और यहाँ पर सरल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसमें बीजेपी के जो विधायक और सांसद हैं वो हर वोटर की जानकारी एकत्रित करके यहाँ पर डालते हुए नजर आएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि केंद्र के पास कमजोर बूथों की जो लिस्ट है वो पहुंच चुकी है और संगठन ऐसे बूथों को चिन्हित कर चुका है जो कि काफी ज्यादा कमजोर रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव के दौरान। अब ऐसे बूथों को चिन्हित करकर जो इसकी जिम्मेदारी है वो सांसदों और विधायकों को दे दी गई है कि जल्द से जल्द इन बूथों पर काम किया जाए और बूथों को जल्द से जल्द मजबूत किया जाए। तो यहाँ पर केंद्र और संगठन सीधे से एक इशारा देता हुआ नजर आ रहा है, अगर बूथ मजबूत नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये एक हार की वजह बन सकता है विधानसभा चुनाव में। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव में जो भी बड़े निगमों में बीजेपी की हार हुई है, बूथ कमजोर होना उसको जिम्मेदार माना गया है और इसको लेकर विधायकों और सांसद को यह भी कहा गया है कि इसमें उनकी बड़ी जवाबदारी है कि वो अपने बूथों को मजबूत करें और इसी को लेकर अब पूरी तैयारियां की जाएंगी, बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जाएगा। लेकिन केंद्र ने यहां पर साफ कर दिया है और साथ ही भीतरघातियों के खिलाफ अगले 5 दिन में बड़ा एक्शन देखने को यहां पर मिल सकता है। देखिए, कई ऐसे अधिकृत प्रत्याशी थे जिन्होंने दूसरे चुनाव चिन्ह से यहां पर चुनाव लड़े थे, नगरीय निकाय चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने पार्टी चेंज की थी। लेकिन अब ऐसे भीतरघातियों के खिलाफ बीजेपी सख्त एक्शन करने के लिए तैयार है और अगले 5 दिन में यहां पर उनको निर्देश मिल गए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो है वो बैठक कर ऐसी भीतरघातियों की लिस्ट निकाले, क्योंकि ऐसी लिस्ट जो है केंद्र के पास पहुंच चुकी है। ऐसे लोगों की लिस्ट निकालकर केंद्र को भेजा जाएगा और यहां पर एक बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आएगा। तो बैठक में साफ ये कर दिया गया है कि बूथ को अब मजबूत करती हुई बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए नजर आएगी। इसके लिए सरल ऐप तो लॉन्च किया गया हुआ है, लेकिन विधायक और सांसद अब पूरी मजबूती के साथ जो है वोटर्स को एकत्रित करते हुए नजर आएंगे। हर जानकारी, एक एक जानकारी वोटर की जो है सरल ऐप पर
पर डाली जाएगी और इसकी जो पूरी लिस्ट है वो केंद्र और संगठन के पास पहुंचेगी। तो ये साफ हो चुका है कि संगठन और केंद्र दोनों ही जो हैं अब पूरी तरीके से बूथों पर नजर रखे हुए हैं। बूथ मजबूत करने की बात यहाँ पर पार्टी कर रही है, लेकिन विधायकों, सांसदों को लोकसभा विधानसभा में जानकारी देनी होगी बूथों की। ऐसी जानकारी सामने आ रही है, उन बूथों की जिम्मेदारी, उन बूथों की जानकारी कैसे विधायकों, सांसदों को सदन में देनी होगी, विधानसभा लोकसभा में क्या कुछ उसका जरिया होगा, कैसे समीकरण होंगे। देखिए पूरी तैयारियां यहां पर की जा चुकी है। देखिए विधायक जो हैं, विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र के 25 बूथों की जानकारी देनी होगी और सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्रों के 100 बूथों की जानकारी देनी होगी। हर बूथ में किस तरीके के वोटर्स हैं, वो वोटर्स क्या कुछ काम करते हैं, हर एक एक घर में एक एक वोटर को यहाँ पर एकत्रित किया जाएगा और क्या कुछ इसकी रणनीति रहेगी, कैसे कार्यकर्ता और मजबूत करेंगे खुद को बूथों पर एकत्रित करने के लिए, इसकी पूरी तैयारियां की जानी है। देखिए अब विधायकों और सांसदों की जिम्मेदारी यहाँ पर पूरी तरीके से विधानसभा चुनावों के लिए हुए नजर आ रही है। हालांकि जो मंत्री हैं उनकी भी जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी अगर हमने देखा नगरीय निकाय चुनाव के दौरान। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अमितांशी जोशी खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।